कैमरा पकड़ूँ या फिर मैं करूँ एक काम करती हूँ, पहले लिख लेती हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्या मैंने इस पे लिखा है, हैप्पी मदर्स डे मामी, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज, ओह फॉर रह गया एक सेकेंड, यस फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी लाइक अ मदर, आई एडमायर योर केयरिंग लविंग नेचर एंड पॉजिटिव स्पिरिट। मैं उनको ये जो है ये कार्ड दूंगी। अभी मैंने अपने सर पे जो है एग मास्क लगाया हुआ है, इसलिए मैं अपनी शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली। मैंने सोचा था मैं बाकी के ब्लॉगर्स की तरह दिखा पाऊँगी, मैं बाकी के ब्लॉगर्स की तरह अपनी शक्ल दिखा पाऊँगी, पर कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग लग रही है शक्ल। तब तक आप इस पाउडर की शक्ल देखिए, क्योंकि पता नहीं मेरे हाथों में कुछ उप्स कुछ रिएक्शन सा हो गया था, मैंने उसके लिए यूज़ कर रही हूँ। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी टाइम हो गया है 8:20। थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद नहाने जाऊँगी। ओके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके बाय। ऑल राइट, तो मैं नहा चुकी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले नहाती देरी उनको उनका गिफ्ट दे दूँगी, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही शाइनेस फील हो रही है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करके आती हूँ, थोड़ा माहौल लाइट करती हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव हर द गिफ्ट। मैंने उनके लिए गिफ्ट भी लिया है, लेट्स सी उन्हें पसंद आता है कि नहीं। पहले नहाने ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं पहले अपनी मम्मी को कॉल करके उन्हें मदर्स डे विश करती हूँ। ओके लेट्स गो। ओके हैप्पी मदर्स डे। So it's 10:34 and I have done my breakfast and now I'm going to give her the gift. Also I wanted to say that ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं व्लॉग बनाने के लिए सब कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैं व्लॉग बनाने के लिए नहीं कर रही हूँ, इट्स माई इमोशन। बस एक व्लॉग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि मतलब इस तरीके के वीडियोज़ जो होते हैं वो कैसे आएंगे एज अ कॉन्टेंट। तो नेक्स्ट टाइम से मैं फिर हर छोटी चीज़ व्लॉग करूँगी। मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं 4-5 टेक्स ले चुकी हूँ उसके लिए। तो मिलती हूँ, डोंट जज। ओके बाय। अब मैं लेके जा रही हूँ, मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा अजीब सा क्यों लग रहा है, पर ठीक है फर्स्ट टाइम, लेट्स गो। बहुत अजीब सा लग रहा है मुझको ही। थर्सडे की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, इसे खोल के देखिए। नहीं नहीं मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना देने में, क्या बताऊँ। ऑर्डर किया था उसमें, एक चिट्ठी भी लिख के दी है मैंने। ओके थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे। ठीक है मुझे पंखा चला, तो मैंने उनको गिफ्ट दे दिया एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। मतलब मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी, पता नहीं क्यों मुझे इतनी शर्म आ रही थी, पर मैंने दे दिया और उनको पसंद आया। अब मैं आगे का कार्यक्रम करती हूँ, लाइक देखते हैं क्या करना है। इट्स संडे सो आई हैव नो प्लान्स फॉर टुडे, आई विल जस्ट गो विद द फ्लो and I will show you what I'm going to do. Okay, bye. हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर। कोई भी मदर जो होती है वो
वर्ल्ड बेस्ट मॉम नहीं होती है, सारी मदर्स जो होती हैं वो वर्ल्ड यूनिवर्स की बेस्ट मॉम होती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी मदर्स डे पे अबाउट माय मदर और एनी मदर, बिकॉज़ अगर किसी मदर की या किसी माँ की बातें हम किसी मतलब कुछ शब्दों में अगर फ्रेम करके उनकी तारीफ कर दें तो फिर मतलब उसे आई गेस मेजर किया जा सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब, अरे कहना क्या चाहते हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम मदर एंड मॉम से या माँ से रिलेटेड इमोशंस को शब्दों में बयां नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना बड़ा इमोशन और इतना बड़ा मुझे नहीं पता, मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ आपको कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मतलब इमोशन समझ जाओ, मैं बस बोलूँगी हैप्पी मदर्स डे, ओके। एंड हाँ, मैं पता है कि हम डेली लाइफ में अपनी मम्मी की कोई हेल्प नहीं करते, हम पूरे साल उन्हें कुछ भी मतलब ऐसे ही ट्रीट करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब मदर्स डे आता है तो हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होता है, हमें सोशाबाजी करनी होती है, बट यू नो व्हाट, वो एक डे होता है ताकि हम एटलीस्ट उस 365 डेज़ में से कम एक दिन उनको उनके लिए ग्रेटफुल हो सके, उनको थैंक कर सके और रियलाइज़ कर सकें कि वो हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये बाहर का कल्चर है बट आजकल डिजिटलाइजेशन की वजह से इंडिया भी अब बाहर ही हो चुका है, तो हम यहाँ पे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं मतलब मदर्स डे। सब बोलते हैं कि एवरी डे इज़ अ मदर्स डे, फॉर अप्रिशिएटिंग हर देयर इज़ अ डे कॉल्ड मदर्स डे, सो गो एंड थैंक योर मदर फॉर व्हाट शी डज फॉर यू, आपके लिए क्या करती हैं। अगर आप उन्हें थैंक नहीं कर सकते तो कम से कम सेल्फ रियलाइजेशन करो कि हाउ इम्पॉर्टेंट शी इज़, यू आर वेरी लकी दैट यू हैव अ मॉम। एंड अगर आप अपनी रो दूंगी नहीं, अगर आप अपनी मम्मी के साथ, छोटी बच्ची हो क्या, मैं इसीलिए एक्सप्रेस नहीं करती हूँ क्योंकि मैं रो दूंगी और फिर ऐसा लगेगा कि मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, पर मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आप अपनी मम्मी के साथ रहते हैं तो आपको फील नहीं होगा कि व्हाट आई एम फीलिंग, और अगर आप अपनी मम्मी के साथ नहीं रहते तब आप रिलेट कर पाएंगे। और चलो, ये ब्लॉग फनी होना था और मैंने इसको इमोशनल बना दिया, कोई बात नहीं। हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी की मैं और ज्ञान नहीं दूंगी, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है तो इसीलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। जस्ट आई वुड लाइक टू से हैप्पी मदर्स डे एवरी वन, रिस्पेक्ट योर मदर, केयर फॉर योर मदर, इफ़ यू कांट देन जस्ट बी ग्रेटफुल दैट यू आर विद योर मदर, बिकॉज एवरी वन डजंट हैव अ मॉम। Bye, thank you so much.